मेरठ में एक पॉश कॉलोनी में व्यापारी के घर दिन दहाड़े चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरटीओ कंसल्टेटेड के घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी की गई है। मामला मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के प्रेमपुरी इलाके का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि व्यापारी नीरज बत्रा के पिता लंबी बीमारी से के चलते अस्पताल में एडमिट थे और पूरा परिवार देर शाम अस्पताल में गया था। ऐसे में मकान को खाली पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों की माने तो करीब 20 लाख से ज़्यादा की चोरी हुई है और पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस हकीकत जानने में जुटी हुई है। भैया हमारे ताऊजी हैं, एडमिट हैं, तो परिवार सारा हॉस्पिटल में था जसवंत राय में। 3:30 बजे यहाँ से गए हैं और 8:30 बजे घर आए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ था। मतलब सीसीटीवी कैमरे से जो नज़र आ रहा है, एक चोर यहाँ से अंदर घुसा है और वो सब सामान वामान लेके यहाँ से गए। अब ये एक्चुअली अभी मतलब मानसिक स्थिति हम अपनी आपको नहीं बता सकते कि कौन क्या गया, कितना गया है। आकलन किया कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ क्या था, उसके बाद ही बता पाएंगे। ये थाना रेलवे रोड में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई है जिसके सीसीटीवी फुटेज भी है, और इसमें जो है अभी तक जो मकान स्वामी है वो उनके एक परिजन बीमार थे, तो वहाँ पर उनका सारा परिवार गया हुआ था, तो बंद मकान में कुछ लोगों ने घुस के इसको चोरी को अंजाम दिया। अभी फिलहाल हमें उन्होंने कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड की है जिससे अभी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ उनका, लेकिन बाकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा।